जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तर भारत के सबसे खूबसूरत से डेस्टिनेशन की बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है कश्मीर। दोस्तों आज की वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कश्मीर यात्रा कैसे करनी है, और दावे के साथ कहता हूं कि ये कश्मीर यात्रा की वीडियो देखने के पश्चात आपको किसी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कश्मीर श्रीनगर कैसे पहुंचना है, हमारा साधन क्या होगा, आप बाय ट्रेन कैसे पहुंच सकते हैं, साथ ही साथ यदि आपका माध्यम बाय फ्लाइट है तो आप फ्लाइट से कैसे पहुंच सकते हैं, कश्मीर में हमको कब आना चाहिए, कौन से समय पे आना उपयुक्त रहेगा कि हमको यहाँ पे भारी भांति स्नो मिले और स्नो एक्टिविटी भी कर सकें, कश्मीर में हमको होटल एकोमोडेशंस कहाँ मिलेगी, यहाँ का सबसे फेमस डल झील, इसकी शिकारा राइडिंग कैसे होगी, कश्मीर आने के लिए हमको अपनी वाहन लेके आना चाहिए या फिर वहाँ की लोकल गाड़ी का भी इस्तेमाल करके या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके हम सारा कश्मीर श्रीनगर घूम सकते हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कश्मीर की यात्रा कितने दिन की होती है, कौन सा समय बेस्ट होता है, और वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि कश्मीर यात्रा को करने के लिए एक कपल का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा जिससे आपको कश्मीर यात्रा आने के लिए काफ़ी सहूलियत मिल जाए। और ये भी बताऊंगा कि यदि आप पैकेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे आपको डिटेल भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी जाके आप अपनी पैकेज बुकिंग करा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको कश्मीर के श्रीनगर कैसे पहुंचना है। दोस्तों यहाँ पे आपके पास दो मेजर ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की यदि मैं बात करूँ दोस्तों तो वो है आपका बाय ट्रेन। दोस्तों यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो तो है यहाँ का श्रीनगर रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ पे केवल और केवल आती है लोकल ट्रेनें। कहने का मतलब ये है कि आप बड़ी ट्रेनें यहाँ पे नहीं जाती हैं, श्रीनगर में आपको केवल और केवल लोकल ट्रेनें मिलती हैं। तो आप आ सकते हैं यहाँ के सबसे पहले जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, जो कि आपके देश से, आपके राज्य से, आपके शहर से यहाँ पे जम्मू तवी के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पहुँचिए, यहाँ से आप बाई रोड पहुँचिए बनिहाल, और बनिहाल से आपको लोकल ट्रेन मिलेगी। जम्मू तवी से जो आपके बनिहाल की बाई रोड डिस्टेंस होगी वो आपकी लगभग 4 घंटे ही होगी। उसके बाद आप बनिहाल से लोकल ट्रेन लेकर आप पहुँच सकते हैं अपने श्रीनगर। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि आप बाय ट्रेन कैसे पहुंच सकते हैं श्रीनगर। अदरवाइज आप जम्मू से भी कुछ लोग बाय रोड ट्रैवल करते हैं, जो कि जम्मू तवी से आप डायरेक्टली श्रीनगर जाएंगे तो लगभग आपका मान के चलिए कि 8 से 9 घंटे का सफर ये होगा और 256 किलोमीटर पड़ जाती है। तो दोस्तों ये बातें थी कि आप जम्मू से कैसे पहुंच सकते हैं श्रीनगर, या तो आप जम्मू तवी से डायरेक्टली बाय रोड डिस्टेंस तय करके पहुंचिए, अदरवाइज आप बनिहाल से होते हुए श्रीनगर रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। वही दूसरे ऑप्शन की बात करूं वो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहां का जो नजदीकी हवाई अड्डा है वो है यहाँ का श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में फ्लाइट का आवागमन ज़्यादा तो नहीं है हमारे इंडिया से, बट कहना ये चाहता हूँ कि आपको दिल्ली से या जम्मू तवी से आपको ज़्यादातर फ्लाइट देखने को मिल जाएंगी। तो आप श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक अपनी फ्लाइट की सुविधा देख सकते हैं, अदरवाइज चाहें तो आप जम्मू तवी तक भी देख सकते हैं, क्योंकि जम्मू भी आपका एयरपोर्ट है तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। पुणे मुंबई तक आपको डायरेक्टली जम्मू के लिए फ्लाइट देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये बातें थी कि हम पहुँच चुके हैं श्रीनगर और हमारा साधन क्या होगा। चलिए आइए बात करते हैं कि हम श्रीनगर पहुँच चुके हैं, अब हमको श्रीनगर में होटल कहाँ लेना है, कैसे हम अपने होटल तक पहुँचें। दोस्तों श्रीनगर एयरपोर्ट उतरने के बाद आप यहां आते तो आपको यहां पर मिलती प्रीपेड टैक्सी काउंटर, यहां से आप टैक्सी काउंटर से आप सारी पूरी ट्रिप अपनी ले सकते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है क्योंकि यहां पे ये गवर्नमेंट की टैक्सी बूथ है, यहां पे आप प्रीपेड टैक्सी पैसे पटाइए और अपना पूरा ट्रिप कर सकते हैं, जो कि 4 नाइट 5 डेज है। तो अभी यहां पे है ये डल लेक, श्रीनगर का सबसे फेमस स्थान, और इस साइड पे रोड गई हुई है जिसको अपन डल लेक रोड बोलते हैं, और यहां पे लाइन से आपको ढेर सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे जहां पे आप स्टे कर सकते हैं। वही अगर दूसरे ऑप्शन की बात की जाए तो वो है आपका लाल चौक, या फिर आप चाहें तो डाउनटाउन में भी आप अपना स्टे बना सकते हैं। तो दोनों जगह आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहां आप एकोमोडेशन लेना चाहें वहां आप ले सकते हैं। तो दोस्तों जो आपका डे नंबर 1 होता है वो आपका अराइवल डे होता है। कहने का मतलब ये है कि डे 1 आपका सिर्फ आने में ही लग जाता है, क्योंकि आप बाई रोड आएंगे जम्मू तवी से या फिर श्रीनगर आते आते आपको शाम हो जाती है। तो उस रात आप जाइए अपने श्रीनगर पे, अपने होटल पे विश्राम कीजिए, होटल में अपना स्टे कीजिए और आप पहली रात अपना इस तरीके से गुजार दीजिए। तो कुल मिला के आपका डे नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अगली सुबह प्रातःकाल यानी कि डे नंबर 2 में आप प्रस्थान करेंगे कश्मीर के सबसे खूबसूरत से प्लेस जिसका नाम है सोनमर्ग। दोस्तों यहाँ पे आपको स्नो एक्टिविटी करने को देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि हमको सोनमर्ग कैसे पहुँचना है। तो यहाँ पे दोस्तों पहुँचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा जा सकते हैं, अदरवाइज आप
पैकेज में जाना चाहते हैं या फिर आप पैकेज लेकर आए हुए हैं तो आप अपनी गाड़ी से जाहिर सी बात है जाएंगे। सोनमर्ग जाने के लिए दोस्तों आपको कम से कम 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि जो श्रीनगर से सोनमर्ग की दूरी होती है वो लगभग 80 किलोमीटर की पड़ जाती है, तो 2.5 से 3 घंटे में लग जाते हैं यदि आपको ट्रैफिक जैम नहीं मिलता तो। वही अगर यदि आपको ट्रैफिक जैम मिला तब तो जाहिर सी बात है कि आपका समय ज़्यादा चला जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं सोनमर्ग पहुँच के ही आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। दोस्तों जनरली जो सोनमर्ग आया जाता है वो यहाँ पे किसी भी तरीके का स्टे नहीं लिया जाता, हालांकि मेरे पीछे यहाँ पे होटल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन सोनमर्ग आपकी वन डे ट्रिप होती है, यानी कि आप श्रीनगर से आप सोनमर्ग आएंगे, सोनमर्ग से वापस श्रीनगर चले जाएंगे, क्योंकि वन डे की ट्रिप होती है, 3 घंटा आने में, 3 घंटा जाने में, और 2 से 3 घंटे यहाँ पे आप रह के एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालांकि 2 से 3 घंटा बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड है कि बहुत ज़्यादा होता है। पर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप स्टे ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ की जो होटल्स की टैरिफ होती है वो 5,000-6,000 रुपये पर नाइट होती है। वही अगर यहाँ पे स्नोफॉल हो जाए और गाड़ियों का जाम लग जाए तो यहाँ के कॉटेज के रेट, रिजॉर्ट के रेट आपके 10,000-12,000 पर नाइट के होते हैं। इसमें सिर्फ आपका रूम होता है, खाने पीने का यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज होता है। तो बेटर ये है कि आप फटाफट से आइए और एक दिन में सारी चीज़ें करके नीचे चले जाइए, नहीं तो आपका एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी कि आपको सोनमर्ग में कैसे क्या चीज़ें करनी है। दोस्तों यदि आप सोनमर्ग के ऊपरी वाली पहाड़ी में जाना चाहते हैं तो वहाँ से आप घोड़े से जाएंगे। चलिए आइए घोड़े की भी हम चर्चा करते हैं। भैया कितने में जाते हो घोड़े ऊपर? क्या मतलब ऊपर कितने में जाते हैं घोड़ा? 1.5 घंटा लगता है आने जाने का। आने जाने का 1.5 घंटे में? कहाँ, तो कौन से पॉइंट, क्या बोलते हैं पॉइंट का नाम? ये फर्स्ट फेज और सेकंड फेज होता है। सॉरी, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। अच्छा, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। तो जहाँ बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी वो सेकंड फेज में आता है। वो सेकंड फेज आता है और उसके साथ राम तेरी गंगा मेरी भी आता है। अच्छा, कितना चार्ज लेते हो एक घोड़े का? एक घोड़े का 1750 हो जाता है। 1750 एक घोड़े का। आप जाके आने का? जाके आने का, जाना हमारा होता है, कार टाइम आप तक रहता है और फिर वापस आने का। तो ये आप क्या फर्स्ट फेज का बता रहे हो, दोनों फेज का? दोनों। अगर सिर्फ फर्स्ट फेज जाना होता तो उसके लिए आपको 1250 लगेंगे एक आदमी का। हाँ। एक मतलब एक घोड़े का, एक आदमी का। अच्छा, कितने 1.5 घंटे लगते हैं? अच्छा, फर्स्ट फेज का 45 मिनट लगता है आना जाना। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। तो दोस्तों इस तरीके की यहाँ सोनमर्ग में घोड़े से जाया जाता है फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में। तो यदि आप चाहो तो वहाँ भी जा सकते हो। बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है। ये वाली जो आप पहाड़ी देख रहे हैं पीछे वाली, इसी पहाड़ी के बैक साइड में आपको ले जाया जाता है। फर्स्ट फेज़ का जैसा कि उन्होंने बताया कि 45 मिनट लगता है, दोनों फेज़ करोगे तो 1.5 घंटे लगते हैं। ये सब करवा के आपको वापस यहीं पे सोनमर्ग में लेके आ जाया जाता है। अभी मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे अभी टेम्परेचर है -5°C, अभी मैंने चेक किया, नेटवर्क यहाँ पे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे फेज़ 1, फेज़ 2 में जाते हैं तब वहाँ पे आपको नेटवर्क देखने को नहीं मिलेगा, अदरवाइज़ सोनमर्ग में यहाँ पे आपको नेटवर्क पर्याप्त आपको मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे सोनमर्ग में कुछ स्लेज राइडिंग भी होती है, यहाँ पे ATV मोटर बाइक राइडिंग भी होती है। तो यहाँ पे 2-4 एक्टिविटीज़ भी होती है सोनमर्ग में। लेकिन यदि मैं बात करूँ एक्टिविटीज़ की तो वो गुलमर्ग ज़्यादा बेटर होता है सोनमर्ग के कंपेरेटिवली में। तो दोस्तों इस तरीके से आप सोनमर्ग के यहाँ पे पूरा समय अपना दीजिए और शाम होते होते आप वापस चले जाइए, ताकि यहाँ पे ठंड आपको ज़्यादा मत लगे। यदि आप विंटर के टाइम पे आ रहे हैं तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है शाम के वक्त। तो दोस्तों मैं चल पड़ा यहाँ से 4 से 4:30 के बीच में अपने वापस श्रीनगर होटल के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टे लेना मुझे वर्थ नहीं लगा। साथ ही साथ यहाँ पे होटल्स के कॉस्ट भी महंगी होती है, चाहे आप पैकेज लेके भी आएँ तो आप सोनमर्ग में अपना स्टे मत लीजिएगा। तो दोस्तों हम इस तरीके से अपने होटल में पहुँचे। लगभग 3 घंटे की हमारी वापसी की भी यात्रा रही। आराम से हम घूमते फिरते हुए, व्यू देखते हुए हम श्रीनगर पहुँचे और day number 2 में अपने होटल में विश्राम किए और हमारा day number 2 इस तरीके से पूरा व्यतीत हो गया। अगली सुबह यानी कि प्रातःकाल day number 3 में दोस्तों हमको जाना है एक और नए गंतव्य पे, वो है यहाँ का गुलमर्ग। दोस्तों गुलमर्ग जाने के लिए आपको श्रीनगर से जो दूरी है वो लगभग 50 से 52 किलोमीटर की पड़ जाती है। कहने का मतलब यह कि 2 से 2.5 घंटे अगेन आपको लगेंगे श्रीनगर से गुलमर्ग। गुलमर्ग में भी दोस्तों यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई स्टे आपको नहीं लेना है, क्योंकि गुलमर्ग में भी होटल्स हैं, टनमर्ग के पास होटल हैं, लेकिन वहाँ पे होटल्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगेन आप वहाँ जाइए, गुलमर्ग पूरा दिन घूमिए और शाम को वापस आ जाइए, क्योंकि 2-2.5 घंटा बहुत बड़ी जर्नी नहीं होती है। चलिए आइए मैं बताता हूँ कि गुलमर्ग में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और आपको स्नो सूट भी यहाँ लेना पड़ता है। रेंट की अगर बात की जाए तो 350 रुपये बट आप पार्किंग करवा के 300 रुपये में भी वो चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पे ले लीजिएगा, आपको गंबूर भी मिलता है और साथ ही साथ ये स्नो सूट और इसके साथ एक लगी होती है ये कैप, ये सारी चीज़ें मिलती है। तो यहाँ से आप परचेज करके आगे जाइए, क्योंकि आगे जाएंगे तो थोड़ा सा रेंट आपको महंगा मिलेगा। दोस्तों हम जैसे गुलमर्ग जा रहे थे यहाँ पे आपको जो स्नो सूट जैसे मिलती है, मैंने बताया ये टनमर्ग में मिलती है और वो टनमर्ग में होटल की भी फैसिलिटी है।
तो समटाइम्स जो टूरिस्ट चाहते हैं कि हमको टनकभर में स्टे चाहिए वहाँ होटल ले सकते हैं, थोड़ी सी कॉस्टली होती है श्रीनगर के कंपैरेटिवली में। बट अभी जैसे ही आप टनकभर क्रॉस करेंगे तो यहाँ से आपको घाट सेक्शन शुरू हो जाते हैं, यानी कि चढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। चलिए मैं आइए आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे घाट भी शुरू हो चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारी बर्फ भी है। चलिए दिखाता हूँ। बात की जाए गुलमर्ग में होने वाली एक्टिविटीज़ की, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले होता है गोंडोला राइड। गोंडोला राइड यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम उसको हिंदी टर्म में बोलें तो वो होता है रोप वे या फिर केबल कार या फिर जिसको उड़न खटोला भी बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली दो फेज़ होते हैं यहाँ पे गुलमर्ग में। एक होता है फेज़ वन जो कि आपका गुलमर्ग से कुंगडोर तक जाता है, दूसरा फेज़ आपका जाता है कुंगडोर से अपरवत। तो इस तरीके की यहाँ पे आप ऑनलाइन टिकट निकाल के आइए, आगे मैं आपको डिटेल देता हूँ कि कैसे मैंने टिकट निकाला। दोस्तों यहाँ पे पीछे ये ऑफिस है हमारा, टिकट काउंटर ऑफिस, जो कि आपका गोंडोला से कुंगडोर और कुंगडोर से अपरवत तक जाती है। लेकिन हमने ऑनलाइन टिकट निकाल रखी थी, हमारी ऑनलाइन टिकट पड़ी है। एक पहले फेज़ की जो अगर आप जाते हैं तो वो 740 रुपये की पड़ती है, और यदि आप दोनों फेज़ जाते हैं यानी कि फेज़ वन फेज़ टू जाते हैं तब आपकी 950 रुपये की वो सेकंड फेज़ की टिकट पड़ती है। यानी कि दोनों की टिकट का कैलकुलेशन किया जाए तो अराउंड आपका 1690 रुपीज़ पड़ती है, और आप दोनों फेज़ की केबल कार राइडिंग कर लेंगे। तो आप ऑनलाइन निकलवा के आइए, ज़्यादा बेटर होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे आपको वेबसाइट दिख रही है, यहाँ पे जाके आप अपनी बुकिंग करवा दीजिए। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी नहीं पड़ेगी। ये हमारी टिकट होती है, इस तरीके की आपको टिकट का प्रिंट मिलेगा, तो आप ऑलरेडी अपनी टिकट करवा लीजिए। इसमें आपकी दोनों फेज़ की डिटेल होती है, तो आप ऑनलाइन टिकट करवा के आएँ ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको डायरेक्टली लाइन देखने को मिलेगी, ये ऑफिस है, तो आप ये सब करवा के आएंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होगा। चलिए आइए मैं दिखाता हूँ कि अभी क्या क्या हमको और प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। तो दोस्तों इस तरीके की लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी यदि आप अपने टाइम स्लॉट पे आते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आने के बाद मुझे एक और चीज़ की जानकारी मिली कि वर्तमान समय पे अभी पूरी ऑफलाइन टिकट बंद कर दिया गया, केवल और केवल ऑनलाइन ही आप निकलवा के आइए। तो दोस्तों वेबसाइट मैंने बता दी है, उस वेबसाइट में जाके आप अपने ऑनलाइन टिकट निकाल के आइए। यहाँ पे लाइन में लगी है, लाइन में आपको लगभग आधे घंटे लगेंगे, आपका टर्न आएगा। यहाँ पे आपको गुलमर्ग गोंडोला राइड के कुछ यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स दिए हुए हैं जिसको आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ये करने के बाद जैसे ही आप अपनी टिकट चेक करा के पहुँचेंगे यहाँ पे अपने रोप वे के पास यानी कि गोंडोला राइड करने के लिए, यहाँ पे आप बैठिए, बैठ के आप चल पड़ेंगे अपने फेज़ वन की तरफ। फेज़ वन दोस्तों हमारा होता है गुलमर्ग से हमारा कुंगडोर तक, तो हम पहुँचेंगे पहले गुलमर्ग से कुंगडोर और फिर वहाँ से कुंगडोर से अफरवत तक जाएंगे। चलिए आइए मैं दिखाता हूँ कि फेज़ वन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से चालू कर रहे हैं अपना गोंडोला राइड। गोंडोला राइड यानी कि एक प्रकार से जैसे केबल कार होती है उसी को बोला जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पहले फेज हम अभी जा रहे हैं, पहला फेज शुरू होता है दोस्तों आपका गुलमर्ग से शुरू होकर जाता है वो कुंगडोरी तक। कुंगडोरी तक वो पहला फेज होता है, पहले फेज में आपको उतारा जाएगा, वहाँ आप इंजॉय कीजिए, और उसके बाद दूसरे फेज में जाएंगे जो कि आपका कुंगडोरी से कहलाता है आपका अफरवत तक। तो अभी हम लोग जो पहले फेज में चल रहे हैं आप देख सकते हैं मेरे पीछे से जो व्यू है बहुत ही शानदार दिख रहा है, यानी कि आपको पूरा यहाँ से गुलमर्ग का या घाटियों का बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। तो ये आप एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिएगा। एक्चुअली एक केबल कार में यानी कि एक केबल कार केबिन में टोटल 6 लोगों को बैठाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे 3 दोस्त थे तभी हम लोग को फिलहाल 3 सेपरेटली दे दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे ये है फेस वन का आपका स्नो वाला एरिया जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, लाइक स्कीइंग होती है, ट्यूब राइडिंग होती है, स्लज राइडिंग होती है। बट यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो यदि आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप बार्गेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा करवा लीजिए क्योंकि यहाँ के रेट थोड़े हाई फाई ज़रूर होते हैं। दोस्तों ये करने के पश्चात मैं चल पड़ा अपने फेज टू की तरफ। अगेन मैं यहाँ पे फेज वन के रोप वे में आया, बैठा और मैं चल पड़ा अपने फेज टू की तरफ। दोस्तों अभी हम फेज टू में केबल कार में बैठ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं कुंगडोरी से अपरवत तक। ये लगभग हमारी 10 से 12 मिनट की ये राइड होती है, अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 मिनट की, और वहाँ पहुँचकर हम अभी और दिखाएंगे आपको कि वहाँ का व्यू कैसा है, वहाँ कितनी स्नो है, और मे बी मोस्ट प्रोबेबली है कि वहाँ भी शायद स्नोफॉल भी हो रही है। तो चल के हम अभी आपको दिखाते हैं अभी स्नोफॉल होता है तो इस तरीके से आप दो फेज की टिकट ले सकते हैं और आप ये सारी चीज़ें घूम के नीचे फेज वन में एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है वो सब करके आप वापस गुलमर्ग जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मजा बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है, और स्नोफॉल का आनंद दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम स्नोफॉल होती ही है फेज टू में, लेकिन इसकी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा है। यदि आपके साथ सीनियर सिटीजन है या छोटा बच्चा है तो आप उसको यहाँ लाना अवॉइड कीजिए क्योंकि यहाँ पे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं कुछ कुछ आपको सीन दिखा देता हूँ, अब फिलहाल अभी अपना कार्ड रखता हूँ, लेकिन ठंड के मारे यहाँ पे हमारी कार्ड चल सकती है।
दोस्तों एक चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ फेस टू में है तो बहुत ज्यादा खूबसूरत, यहाँ का पूरा हिमालय पर्वत सुंदर है, बट यदि आपके साथ बड़े बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं तो आप केवल और केवल फेस वन तक ही टिकट लीजिए, क्योंकि फेस टू में यहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉब्लम डेफिनेटली होती है। तो हमको जब होने लगी तो जाहिर सी बात है कि यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप ऑनलाइन टिकट केवल फेस वन का ही निकाल के आप जाइए, वहाँ अपनी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं जो भी आप ये नीचे देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप आराम से घूम फिर के गुलमर्ग से वापस आ जाएंगे, क्योंकि गुलमर्ग हमारा फेमस है गोंडोला राइडिंग के लिए और वहाँ की स्नो एक्टिविटीज के लिए। तो दोस्तों ये गुलमर्ग घूमने के पश्चात मैं पहुंचा अपने वापस होटल श्रीनगर और हमारा डे नंबर 3 भी इस तरीके से पूरा व्यापन हुआ। अगली सुबह दोस्तों हमको निकलना है अगले गंतव्य पे, यानी कि डे नंबर 4 में दोस्तों हम अर्ली मॉर्निंग चेकआउट की होटल से और हम निकल पड़े वहां के एक और खूबसूरत से डेस्टिनेशन जो कि था हमारा पहलगाम। दोस्तों डे नंबर 4 मेरा पहलगाम में स्टे होने वाला था, यानी कि नाइट स्टे भी मैं वहां लेने वाला था। पहलगाम जाते समय दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी रास्ते में, क्योंकि हम यहाँ पे पुलवामा होते हुए हम पहलगाम पहुँचेंगे। श्रीनगर से पहलगाम की जो दूरी है वो लगभग 100 किलोमीटर की है, लगभग आपको 3 से 3.5 घंटे लगेंगे। स्टेट हाईवे है, कहीं भी आपको घाट सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आइए मैं बताता हूँ कि रास्ते में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। पुलवामा के पास, यानी कि जब हम श्रीनगर से पहलगाम जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भी हैं, यानी कि बैट फैक्ट्री। यदि आप क्रिकेट के प्लेयर हैं और अगर आप बैट के शौकीन हैं तो यहाँ से आप रिजनेबल प्राइस में बैट भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बैट बन के जाती है हमारे इंडिया में, यहाँ से कश्मीरी बैट ही बन के जाती है। तो यहाँ पे बैट की फैक्ट्री है, तो यदि आप बल्लेबाजी करते हैं तो यहाँ आप ज़रूर आकर एक बार प्राइस एटलीस्ट पता कीजिएगा। आपको अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर यहाँ से लेके जाइए। तो जब आप पहलगाम जाएंगे तो आपको श्रीनगर से पहलगाम के बीच में, जैसा कि मैं अभी जा रहा हूँ, तो बीच में यहाँ पे आपको ओरिजिनल शॉप्स मिलेंगी, यानी कि खेती मिलेगी केसर की। तो यहाँ पे केसर के शॉप होते हैं, शिलाजीत के शॉप होते हैं और ड्राई फ्रूट्स की यहाँ पे बहुत सारी शॉप होती है। तो यहाँ से आप खरीद सकती हैं। केसर के रेट यहाँ पे अगर बात की जाए तो 1 ग्राम का लगभग 200 रुपये होता है। तो अगर आप ये सब परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन से ढेरों सारी यहाँ दुकानें हैं और मैं अभी फिलहाल चल रहा हूँ, यहाँ से सीधा जाऊँगा अभी पहलगाम पहुँच के दिखाऊँगा कि वहाँ कौन कौन से साइट सीइंग आपको एक्सप्लोर करनी है। फिलहाल का ये नेशनल हाईवे अभी फिलहाल प्लेन है। यहाँ जगह जगह पे हर 200 मीटर पे ये कहना चाहिए कि यहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी यहाँ पे तैनात है और बहुत अच्छे तरीके से रक्षा कर रही है। और यहीं से आगे अभी हम जाएंगे तो यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पे पुलवामा का बाईपास पड़ेगा, लेकिन हम पुलवामा तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमको पहलगाम निकलना है। हम सीधे निकल जाएंगे वो बाईपास को क्रॉस करते हुए। तो चलिए अभी मैं पहुँच के आपको दिखाता हूँ कि पहलगाम में कौन कौन से साइट सीइंग करने हैं। दोस्तों पहलगाम का जो साइट सीइंग आता है, जो कि फेमस साइट सीइंग में कहलाता है, वो है यहाँ का आरू वैली और दूसरा यहाँ पे आता है आपका मिनी स्विट्जरलैंड, जो कि आपका पहलगाम में ही पड़ता है। दोस्तों मिनी स्विट्जरलैंड यानी कि यहाँ पे ये जो सामने पर्वत देख रहे हैं, इस पर्वत के पीछे आपको बहुत सारे 3 से 4 से 5 पॉइंट देखने को मिलेंगे। वहाँ पे जाने के लिए दोस्तों आपको यूज़ करना पड़ेगा घोड़ा, और घोड़े से आप जाएंगे तब जाके आपकी ये सारी पॉइंट्स कवर होंगी। लेकिन घोड़े वाले को रेट जो होते हैं वो सारे पॉइंट यदि आप करते हैं 6 से 8 पॉइंट करते हैं तो आपका लगभग 4,000 से 5,000 लेता है, बट आप चाहें तो अच्छी तरीके से बार्गेनिंग करेंगे तो ये रेट कम भी हो जाता है। तो यदि मिनी स्विट्जरलैंड आप जाते हैं तो आपको घोड़े से ही आपको जाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई वाहन नहीं जाती है। और यदि आप 1-2 पॉइंट करके वापस आना चाहते हैं, यानी कि मिनी स्विट्जरलैंड का 2-4 पॉइंट 1-2 पॉइंट करना चाहते हैं, तब आपका काम 800, 1,000, 1,500 में भी हो जाएगा। बस आपको बार्गेनिंग करना प्रॉपरली आना चाहिए। अगले साइट सीनिंग की बात करें दोस्तों तो वो है यहाँ का बेताब वैली। दोस्तों बेताब वैली भी आपका पहलगाम का फेमस साइट सीनिंग है, जिसकी एंट्री फीस यहाँ पे 100 रुपये होती है और 6 से 12 साल के बच्चों की 50 रुपये होती है। दोस्तों यहाँ पे आप एंट्री टिकट कटाइए और यहाँ पे भी आप जाके विजिट कीजिए। काफी सुंदर सा ये एक कहना चाहिए कि गार्डन है, पार्क है, जो कि मार्च के टाइम पे और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि ये ट्यूलिप का टाइम हो जाता है। अभी विंटर पे हमको पूरी जगह स्नो देखने को मिली, जो कि बहुत ही शानदार था। यहाँ पे आप आइए, कुछ समय बिता के आप यहाँ भी फोटो सेशन करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का भी जो नेचर है, यहाँ का व्यू है, वो बहुत ही शानदार है। चलिए दोस्तों अगले साइड सीनिंग की तरफ बढ़ते हैं और वो है हमारा यहाँ का चंदनवाड़ी। इस टाइम पे मैं हूँ अभी यहाँ पे पहलगाम के चंदनवाड़ी में, यानी कि जो अगला स्पॉट हमारा कहलाता है ये चंदनवाड़ी कहलाता है। चंदनवाड़ी में दोस्तों अभी फिलहाल स्नोफॉल हो रही है और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये एक्चुअली विंटर के टाइम पे ही देखने को मिलेगा। समर के समय पे ऐसा आपको नज़ारा नहीं मिलेगा, क्योंकि समर के टाइम पे ही आपको मालूम है कि हमारा शुरू होता है अमरनाथ यात्रा। तो ये चंदनवाड़ी यही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ऑफिसेस हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, चेकिंग होती है, आईडी कार्ड बनती है। यहाँ पे हमारा शेषनाग के लिए भी पैदल यात्रा शुरू होती है। तो चंदनवाड़ी वही स्थान है जहाँ से अमरनाथ यात्रा के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है। तो दोस्तों ये रहा चंदनवाड़ी का एक साइट सीनिंग, जो कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत हमारा पॉइंट दिखता है। दोस्तों समर के टाइम पे ये ऐसा व्यू देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको फिर ग्रीनरीज दिखेंगे, माउंटेन्स दिखेगा। चलिए दोस्तों अगले साइट सीनिंग की बात की जाए पहलगाम की, तो वो है यहाँ का राफ्टिंग पॉइंट। दोस्तों पहलगाम का अगला साइट सीनिंग आता है यहाँ पे राफ्टिंग पॉइंट बोला जाता है। एक्चुअली ऊपर रोड है, हम लोग यहाँ से नीचे आ गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको ब्रिज देखने को मिल रही होगी और अभी नीचे यहाँ पे बहुत स्नो है।
ठीक है। और एक्चुअली इसको राफ्टिंग पॉइंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि समर में यहाँ पे राफ्टिंग होती है। अभी का सिचुएशन ऐसा हो चुका है पहलगाम का कि यहाँ पे जो ये रिवर है इसको लीडर रिवर बोला जाता है, लीडर रिवर भी जम चुकी है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं अपनी गोप्रो का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये तो वाटरप्रूफ है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पूरा जम चुका है, इवन ये टूट भी नहीं रहा, इतना हार्ड है। थोड़ा सा वहाँ पे शायद अंदर पे टूटेगा, बट यहाँ पे तो ये नहीं टूट रहा है, ये पूरा जम चुका है यहाँ पे। तो दोस्तों ये आप अगर विंटर पे आते हैं तो ये सारे अनोखी चीज़ें आपको विंटर में ही देखने को मिलेंगी कि आपका रिवर ही जम जाए, लीडर रिवर। ये एक्चुअली लीडर रिवर यहाँ से निकलती है और जम्मू तवी में जाके तवी नदी पर मिल जाती है। दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि यदि आप कश्मीर की ट्रिप में आ रहे हैं या फिर अगर आप श्रीनगर घूमने आ रहे हैं तो बात ये आती है कि यहाँ पे सिम कौन सा काम करता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा मेरे ख्याल से कि वैष्णो देवी जाइए, चाहे जम्मू तवी जाइए, चाहे श्रीनगर कश्मीर, जहाँ कहीं भी जाइए, यहाँ पर आपकी कोई भी प्रीपेड सिम नहीं चलती, चाहे वो एयरटेल, वोडाफोन या आपका जो भी BSNL हो, कोई भी यहाँ प्रीपेड सिम नहीं चलती। तो आप अगर सिम का यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि आप कनेक्टिविटी चाहते हैं, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आप अपना पोस्टपेड सिम ले लीजिए या फिर जो भी आपका प्रीपेड सिम है उसको कन्वर्ट करा लीजिए पोस्टपेड में। मेरे पास जियो ऑपरेटर की सिम थी तो मैंने उसको कन्वर्ट करा के पोस्टपेड करा ली, या फिर अगर वो नहीं करवाते हैं तो एक नया सिम आप ले लीजिए। पोस्टपेड की सारी सिम यहाँ चलेगी और यहाँ पे आप नेट का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों पहलगाम का एक और साइट सीनिंग आता है जो कि मैं तो नहीं जा पाया क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा थी, और वो है यहाँ का आरू वैली। दोस्तों आरू वैली भी पहलगाम का एक फेमस डेस्टिनेशन कहलाता है। यहाँ पे भी आपको दोस्तों जाना पड़ता है घोड़े के द्वारा ही, तब जाके आप वहाँ पे 4 से 5 पॉइंट वहाँ पे भी घूमने को मिलेंगे, तो आप वो भी कवर कर सकते हैं यदि आप विंटर पे नहीं आ रहे हैं तो। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने पहलगाम का सारा साइट सीनिंग करने के पश्चात मैं वहाँ एक नाइट इस होटल पे स्टे किया, क्योंकि ये सारे साइट सीनिंग को करते करते आपको शाम से रात हो ही जाएगी तो आपको अपना स्टे लेना पड़ेगा। और उस रात मैंने विश्राम किया, यानी कि day number 4 मेरा कंप्लीट हुआ। अगली सुबह दोस्तों यानी कि day number 5 में मैं होटल से चेकआउट करके निकल पड़ा वापस श्रीनगर के लिए। और आज मेरा जो टर्न था day number 5 का वो था लोकल साइट सीनिंग का, यानी कि दोस्तों आपको day number 5 में जो व्यापन करना है वो यहाँ का लोकल साइट सीनिंग करना है। तो दोस्तों हम चल पड़े श्रीनगर, और श्रीनगर का सबसे पहला जो लोकल साइट सीनिंग आता है वो यहाँ का आता है अवंती स्वामी मंदिर। दोस्तों अवंती स्वामी मंदिर हालांकि श्रीनगर से 22 किलोमीटर पहले पड़ता है यदि आप पहलगाम से जा रहे हैं तो। यहाँ पे दोस्तों प्राचीन मंदिर है जो कि आज ध्वस्त हो चुका है, लेकिन आज भी हमारे देवी देवताओं के यहाँ पे कुछ आपको नक्काशी पत्थरों पे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ आइए, आप यहाँ पे अपने मत्थे टेकिए, प्रणाम कीजिए और मंदिर को देखिए। काफ़ी बड़ा मंदिर ये था, इसका प्रांगण बहुत बड़ा था। 25 रुपये की यहाँ दोस्तों एंट्री टिकट होती है इस मंदिर में विजिट करने की, तो 25 रुपये की टिकट कटाइए और आराम से यहाँ आप घूमिए फिरिए, माता जी के दर्शन कीजिए, देवी देवताओं के दर्शन करके आप बढ़ चलिए अपने अगले साइट सीनिंग की तरफ, यानी कि श्रीनगर का लोकल साइट सीनिंग। दोस्तों श्रीनगर का लोकल साइट सीनिंग की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ का आता है डल झील, क्योंकि डल झील में लोग शिकारा राइडिंग करते हैं। और आज मेरा जो day number 5 था उस नाइट आपको स्टे करना है यहाँ पे हाउस बोट में। तो दोस्तों यदि आप हाउस बोट में स्टे लेते हैं तो आपको जाहिर सी बात है आपको शिकारा राइडिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हाउस बोट दोस्तों स्टेबल हाउस बोट होता है। आपको शिकारा राइडिंग करके ही आप डल झील के सारे पॉइंट्स को आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने हाउस बोट में स्टे किया और हमने शिकारा लेके हमने पूरे डल झील को घूमा। डल झील में अगर मैं शिकारा राइडिंग के बोट की कॉस्ट की बात करूं तो मान के चलिए कि दोस्तों वो आवरली बेसिस पे 300 से 400 रुपये लेते हैं, बट सीजन टाइम पे वो रेट हाई भी हो जाता है। समटाइम्स ये आपका 800 से 900 रुपये प्रति घंटा भी हो जाता है जब गर्मी में मई मंथ में अच्छा सीजन लग जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है होटल की, गाड़ियों की, हाउस बोट की, कि सीज़न है या ऑफ सीज़न है। अगर मैं सीज़न की बात करूं दोस्तों तो मान के चलिए कि आपका जो सीज़न लगता है वो क्रिसमस के टाइम पे, और दूसरा जो आपका टाइम लगता है वो है आपका समर वाला टाइम, यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक का। ये टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा रश होता है, इनको छोड़ के अगर आप आएंगे तो आपको हर चीज़ें सस्ती मिलेगी। हाँ चलिए दोस्तों श्रीनगर के अगला लोकल साइट सीनिंग की बात करते हैं, वो है यहाँ का मुगल गार्डन, यानी कि शालीमार बाग जिसको बोला जाता है। यहाँ पे भी दोस्तों आपको एक पार्क देखने को मिलेगा, हालांकि टूलिप का टाइम नहीं होने से इसकी खूबसूरती उतनी हमको नहीं मज़ा आई, बट आप मार्च के बाद जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा यहाँ का व्यू देखने को मिलेगा। दूसरा आपका साइट सीनिंग आता है श्रीनगर का, वो है यहाँ का टूलिप गार्डन जो कि अभी बंद होता है, ये आपका मार्च 15 के बाद खुलेगा, तो यहाँ पे आप विजिट करके अपना टाइम दे सकते हैं। श्रीनगर के अगले लोकल साइट सीन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है यहाँ का मुगल गार्डन चश्मेशाही। दोस्तों चश्मेशाही गार्डन भी यहाँ है जिसकी एंट्री टिकट आपकी 24 रुपये होती है। यहाँ पे आप जाइए, यहाँ विजिट कीजिए, यहाँ भी फोटोशूट कराइए। और इसी तरीके से मुगल गार्डन एक निषाद बाग भी आता है जिसको निषाद गार्डन बोला जाता है, वहाँ भी जाके आप अपनी सारी चीज़ें घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। और आप उस रात आइए अपना
हाउस बोट में स्टे कीजिए, होटल में अपना स्टे कीजिए, और अगली सुबह यानी कि डे नंबर 6 जो आपका होगा वो लास्ट डे होगा आपका डिपार्चर श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए या फिर श्रीनगर आपका रेलवे स्टेशन के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से 5 नाइट 6 डेज की यात्रा ये रहेगी आपकी, जिसमें आपका गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर और पहलगाम ये सारा कवर होगा। दोस्तों यदि आप पैकेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक डिटेल मिल रही होगी, वहां जाके आप कॉलिंग करिए, यात्रा बस की टीम आपको डील करेगी और आपको पैकेज जो भी कॉस्ट होंगे वो आपको बता देगी। इस तरीके से दोस्तों आप श्रीनगर पूरा घूम सकते हैं। चलिए लास्ट बात करते हैं और अंतिम बात करते हैं कि श्रीनगर यात्रा को करने के लिए आपको एक कपल का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि यदि आप ऑफ सीजन में आते हैं और यदि आप मॉडरेट होटल में रुकते हैं यानी कि डिलक्स होटल में रुकते हैं, तो मान के चलिए कि आपका एक कपल का कॉस्ट जो आएगा वो लगभग 30,000 से 32,000 का आएगा। वही अगर मैं बात करूं कि यदि आप सुपर डिलक्स होटल लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका 4 से 5,000 रुपये इंक्रीज होता जाएगा। 3-स्टार प्रॉपर्टी लेंगे तो और महंगा होगा, 4-स्टार लेंगे तो और महंगा होता जाएगा। कुल मिला के यदि कपल की बात की जाए तो 30,000 से 35,000 रुपये आपका श्रीनगर टू श्रीनगर आराम से ये सारा कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। इसमें आपका रहना, खाना और सेपरेट गाड़ी आपको कपल के लिए दी जाएगी, तो इस तरीके से खर्चा आपका होगा। तो दोस्तों ये रहा कश्मीर यात्रा का संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है या यदि आपको मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट करके जो भी आपके प्रश्न है वो मुझसे पूछिए, डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको दिया जाएगा। और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, विश्व सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।